नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। हरियाणा राज्य में कल यानी 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी वोटरों का दिल जीतने में। अब 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी वोटरों का दिल जीतने में कामयाब रही है। वहीं चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधती रही। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते मंगलवार को हरियाणा के बहादुरगढ़ से लेकर सोनीपत तक रोड शो किया। इसी दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा, हर कोई जानता है कि यहाँ ड्रग्स का मुद्दा है। मैं मोदी जी से पूछता हूं कि जब अडानी के मुद्रा पोर्ट पर हजारों किलो ड्रग्स पकड़ी गई तो आपने क्या कार्यवाही की। कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, अब उसे बंद करके अडानी अंबानी को दे दिया गया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि सेना को अडानी को बेचा जा रहा है, जबकि अडानी कोई हथियार नहीं बनाते। विदेशी कंपनियों के हथियारों के ऊपर अडानी की कंपनी का लेबल चस्पा किया जाता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सब लोग जानते हैं कि केंद्र और हरियाणा सरकार 2-3 अरबपतियों की मदद करने के लिए चलाई जाती है। पहले छोटे और मध्यम व्यापार हरियाणा को रोजगार देते थे, लेकिन वो बंद कर दिए गए। आपके लोग सेना में जाते थे, वो रास्ता भी अग्निवीर योजना के नाम से बंद कर दिया गया। राहुल ने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना जवानों से उसकी पेंशन और शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है। आपको बता दें कि साल 2021 में अडानी की कंपनी मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत करीब 9000 करोड़ रुपए बताई गई थी। गुजरात के कच्छ में अडानी की कंपनी मुद्रा पोर्ट पर 2 कंटेनर्स से करीब 3000 किलो ड्रग्स जब्त की गई थी, जो अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर लाई गई थी। इसी को लेकर जो है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।